हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द माइटी ज्ञान में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर सी सेक्शन एक महिला को अपनी डाइट में क्या खान पान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए जिससे वो जल्दी से रिकवर हो सके, उसकी बॉडी पहले के जैसा हेल्दी हो सके और उनके टिश्यू को अच्छे से स्तनपान मिल सके। तो अपनी डाइट में ऐसा क्या शामिल करें जिससे आप एकदम हेल्दी एंड फिट रहें और आपके शिशु का भी वेट आराम से बढ़ सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सी सेक्शन के बाद एक गर्भवती महिला को कब्ज की समस्या से बचने के लिए भरपूर पोषण, फाइबरयुक्त आहार जैसे कि दलिया, साफ धुले हुए कटे हुए फल, साबुत अनाज से बने हुए उत्पाद, चोकर सहित आटे की रोटी, फल, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां आदि अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अपने बच्चे को स्तनों से दूध पिलाने के लिए सही मात्रा में आपको तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप छाछ, दूध, नारियल पानी, सूप, लस्सी आदि पिए, इससे आपको अच्छे से दूध बनेगा आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में मिल्क अच्छे से सप्लाई उसकी बढ़ेगी जिससे आपका बेबी का अच्छे से पेट भर सकेगा। दही आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, आपको स्वस्थ बनाता है, आपके पाचन तंत्र को दही मजबूत करता है। दही में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन सी होता है, तो ये बहुत ही हेल्दी है आपको फिट रखने के लिए। तो अपनी डाइट में दही जरूर शामिल करें। दही आपके पेट को भी स्वस्थ बनाता है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। और अपनी डाइट में कुछ फैटी एसिड भी आपको शामिल करने हैं जैसे कि बादाम, सोया मिल्क, दूध, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो अंडा, मछली आदि भी आप खा सकते हैं। इससे भी आपको भरपूर मात्रा में फैटी एसिड मिलते हैं जिससे आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो जाती है। सीजेरियन डिलीवरी के बाद शरीर में प्रोटीन संबंधी ज़रूरतें पूरी करने के लिए और साथ ही घाव को ठीक करने के लिए आपको प्रोटीनयुक्त भोजन शामिल करना चाहिए जैसे कि दालें, अंडा, चिकन, मछली। सूखे में भी आप खा सकती हैं नॉन वेज, तो चिकन, अंडा, मछली आदि अपनी डाइट में शामिल कर सकती है। सीजेरियन डिलीवरी ऑपरेशन के बाद माँ के शरीर से काफ़ी सारा रक्त बह जाता है, इसलिए उसके शरीर में खून को बढ़ाने के लिए आपको फॉलिक एसिड लेने चाहिए जैसे आयरन की गोलियाँ, आयरन की गोलियाँ आप लीजिए। आयरन के लिए माँ को अंजीर, पालक, अंडा वगैरह, मांस, ये अगर आप खाती हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये खा सकती हैं, लेकिन ज़्यादा आयरन लेने से भी बचे क्योंकि इससे आपको कब्ज भी हो सकती है। तो शरीर के जख्म को जल्दी भरने के लिए आप विटामिन सी डाइट में शामिल करें क्योंकि विटामिन सी लेने से आपके जो जख्म हैं वो जल्दी भरेंगे और इन्फेक्शन होने का खतरा भी नहीं होगा। विटामिन सी के लिए आप संतरा, अंगूर, टमाटर, ब्रोकली, तरबूज आदि खा सकती है, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। तो ये खाइए और अपने जल्दी से रिकवर हो जाइए और अपने नन्हे शिशु को अपने अच्छे से खिलाइए क्योंकि जब तक आप रिकवर नहीं होंगे आप अपने बेबी को प्यार से नहीं खिला पाएंगे। तो खाइए, डाइट में अच्छे से रूल फॉलो कीजिए और बताइए मुझे अपने कमेंट्स करके कि कैसा लगा मुझे वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर भी जाइए, कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।